आपके पास में होम डिपार्टमेंट है और पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा कांड हुआ था एंटीलिया कांड, जिसके बाद में सचिन वजे मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको उसके बाद हटाया गया और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके आधार पे होम मिनिस्टर जो है आज की तारीख में जेल में, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है वो अभी भी जेल में है, अनिल देशमुख। पुलिस डिपार्टमेंट की छवि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और अब आपके पास में होम डिपार्टमेंट है, क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी हमेशा कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार देते हैं, हम किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि शिंदे गुट के साथ में जो लोग आए हुए हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस चल रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें से तो एक ने चिट्ठी लिखी थी कि बीजेपी को साथ मिले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और वो अब आपके साथ में आ गए हैं। जिस बीएमसी के करप्शन पर आप सवाल उठा रहे हैं उसके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो भी अब शिंदे गुट के साथ में आ गए, तो इनको साथ में लेकर आप किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में एजेंसीज को न कोई कुछ करो बोल सकता है न कोई रोक सकता है, तो जिसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी, कोई कार्रवाई रुकेगी नहीं, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, कोई नहीं किसी को स्पेयर करने का कारण ही नहीं है। बीएमसी का कैग ऑडिट होगा, उसमें जो बिल्कुल जो आएगा वो भले शिंदे गुट का हो या किसी का भी हो, कोई भी हो और बीएमसी कौन चलाता था ये तो हमने अच्छे से देखा हुआ है, तो अब मैं इससे ज्यादा तो बोलूंगा नहीं किसके इशारे पर बीएमसी चलती थी। और जहां तक होम डिपार्टमेंट का सवाल है, 5 साल मैंने होम डिपार्टमेंट चलाया, एक भी करप्शन की कंप्लेंट नहीं थी। देखिए, अगर आप अधिकारियों के पोस्टिंग में पैसा लेना चालू करोगे और कम मेरिट के लोगों को पैसे के आधार पर प्राइम पोस्टिंग दोगे तो ऐसी ही परिस्थिति ये हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो हमारी पुलिस की छवि पिछले 2.5 साल में बिगड़ी है, महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे अच्छी, मोस्ट इफेक्टिव पुलिस फोर्स। अभी इसकी जो साख है उस साख को हम लोग फिर वापस लाएंगे और बिना किसी करप्शन के पोस्टिंग शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारी जो पुलिस है वो अच्छा ही काम करती है, वो साख उनकी वापस आएगी।